नमस्कार दोस्तों, फोटो वाले के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कैमरे में जो आईएसओ रहता है उसका मतलब क्या रहता है, आईएसओ कब और कैसे काम में लेना है, और क्या फिल्म के ज़माने में, यानी कि हम लोग जब फिल्म के कैमरेज यूज़ करते थे जिसमें हम लोग रोल डालते थे, तो क्या उस ज़माने में आईएसओ रहता था कैमरे में, कि सिर्फ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में आईएसओ नाम का फंडा आया है। और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको एक दूंगा ऐसी टिप जिससे आप अपने कौन से भी कैमरे में आईएसओ जल्दी से यूज़ कर पाएंगे, कि कितने आईएसओ तक हमें नॉइज़ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कितने आईएसओ के बाद हमें नॉइज़ मिलना चालू हो जाएगा, कहाँ तक हम लोग सेफली आईएसओ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आईएसओ के बारे में अगर आप गूगल पे वगैरह सर्च करेंगे तो आपको एक सीधी सी आसान सी एक लाइन मिल जाएगी, यानी कि आईएसओ मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ द योर कैमरा सेंसर, यानी कि हमारे कैमरे सेंसर की सेंसिटिविटी। और अगर इसे सरल भाषा में कहना जाए तो आईएसओ का मतलब रहता है कि आर्टिफिशियल लाइट, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल लाइट ऐड करना है हमारे फोटो में, उसे हम लोग कहते हैं आईएसओ। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जब फ़ोटो निकालते हैं हमारे DSLR पे या फिर कौन से भी कैमरे पे, तो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है, वो रहती है अपर्चर, शटर स्पीड, और तीसरा रहता है ISO। तो अपर्चर हमारी डेप्थ के लिए काम में आता है, कितना डेप्थ चाहिए, क्या डेप्थ चाहिए उसके लिए। शटर स्पीड हमारा एक्शन फ्रीज करना है हमें कि मोशन दिखाना है उसके लिए हमारे काम में आता है। और ISO ये जो तीसरा कंपोनेंट है, ये शटर स्पीड और अपर्चर ये दोनों का बैलेंस करके हमें एक प्रॉपर इमेज दे उसके लिए काम में आता है, उस हिसाब से हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं आईएसओ को। मान लीजिए अगर आप कौन सा भी एक फ़ोटो अपर्चर 4 पे, F4 पे और शटर 200 पे रख के निकाल रहे हैं, और आपको वो कैमरे की वो दो सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, F4 और शटर स्पीड 200, और आपके पास कुछ एक्सटर्नल लाइट भी नहीं है ऐड करने के लिए, ये सेटिंग पे अगर आपकी इमेज डार्क आ रही है और आपको बाहर से कोई दूसरी लाइट यानी कि फ्लैश लाइट वगैरह भी ऐड करना नहीं है फ़ोटो में, या फिर आपको ये सेटिंग्स भी चेंज करनी नहीं है दो, तो इस टाइम पे हमारे काम में आता है आईएसओ, यानी कि हमारा डिजिटल लाइट या फिर हम लोग जिसे इलेक्ट्रॉनिकल लाइट कह सकते हैं। तो इस टाइम पे हम हमारे कैमरे में जो आईएसओ रहेगा उसको बढ़ा देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली लाइट हम लोग उसमें बढ़ा देंगे। तो अगर मुझे यही सेटिंग्स पे आईएसओ 200 पे डार्क इमेज आ रही है तो मैं आईएसओ 400 कर दूंगा, तो मेरी इमेज थोड़ी सी लाइट अप हो जाएगी, और थोड़ी ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो मैं आईएसओ 800 कर दूंगा, और थोड़ी चाहिए तो 1600 कर दूंगा, 3200 कर दूंगा दोस्तों। लेकिन ये हमारे एक नए डिजिटल कैमरे में जो एडवांटेज है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो आप ये आईएसओ कितना बढ़ा सकते हो, 12,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक, तो ये डिपेंड रहता है हमारे कैमरे के मॉडल के ऊपर कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो। अगर बिगिनर्स कैमरा रहेगा तो आईएसओ की रेंज उतनी नहीं मिलती जितनी एक प्रोफेशनल लेवल कैमरे में मिलती है, या फिर डिपेंड रहता है कि उस सेंसर क्वालिटी क्या है, सेंसर का टाइप कौन सा है, उस हिसाब से हमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर जब हमें आईएसओ बढ़ाते हैं, ज़्यादा करके हमें आईएसओ बढ़ाना पड़ता है रात के समय में, रात के समय हम एक हद से ज़्यादा हम लोग शटर स्पीड कम नहीं कर पाते या फिर अपर्चर खोल नहीं सकते ज़्यादा, तो इस टाइम पे हम लोग काम में लेते हैं आईएसओ। लेकिन अगर ये आईएसओ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लम होता है कि इमेज में हमें नॉइज़ दिखने लगता है, या फिर जिसे हम लोग ग्रेन्स कहते हैं। स्पेशली ये जो नॉइज़ और ग्रेन्स रहते हैं, ये हमें डार्कर एरियाज़ में दिखाई ज़्यादा देते हैं, यानी कि जहाँ पे शेडोज़ है, एकदम पिच ब्लैक है, वहाँ पे हमें ये सब ग्रेन्स दिखने को मिलना चालू हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके कैमरे में जितना आईएसओ रहेगा उस हिसाब से आप काम कीजिए, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए घर पे पहले कि हमें कितने आईएसओ के बाद नॉइज़ दिखना चालू होता है। तो आपको जब आप एक्चुअल शूट पे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये आईएसओ के आगे जाना नहीं है क्योंकि इस आईएसओ के आगे मेरी नॉइज़ आना चालू होती है। तो दोस्तों, तो ये आईएसओ तो रहा हमारे सेंसर पे, ये एक पूरा काम करता है सेंसर पे पावर देता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट ऐड करता है। तो जब हम रोल वाले कैमरे यूज़ करते थे तब उस जाना,
तो उस जमाने में क्या आईसो नाम की चीज़ थी या फिर आईसो था ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सेंसर ही नहीं था। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, उस टाइम पे भी आईसो नाम का प्रकार था, आईसो नाम की चीज़ थी। हर एक कैमरा का जो हमारे रोल रहता था, अलग अलग रोल्स अलग अलग आईसो के रहते थे। मतलब हमें, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते आ रहे हो उसी ज़माने से, तो आपको मालूम रहेगा कि 400 आईसो, 200 आईसो का एक एक रोल आता है अलग अलग। तो उस हिसाब से हमें कैमरा, तो उस हिसाब से हम लोग रोल खरीदते थे। अगर आपको मालूम है, अगर आपको आपको इवेंट शूट करना है रात के समय में, अंधेरा रहेगा ज़्यादा वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम लोग हायर आईएसओ का रोल खरीदते थे। या फिर हमें मालूम है कि हम लोग अभी दिन भर घूमेंगे और वो सब लेंगे, तो वो हिसाब से हम लोग वो आईएसओ और वाइट बैलेंस वाला रोल खरीदते थे और वो यूज़ करते थे। तो पहले कैसा होता था कि अलग अलग कंपनियों के जो रोल्स आते थे वो अलग अलग आईएसओ पे अलग अलग ब्राइटनेस देते थे। अगर मान लो 200 आईएसओ है तो कोडैक का रोल जितनी ब्राइटनेस देता था उससे कभी कभी ज़्यादा फ्यूजी फिल्म का 200 आईएसओ पे ही देता था, या फिर उससे कम कभी कभी मिलता था। वो हर एक कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहता है। जैसे कि हमारे कपड़ों में एक्सेल नंबर किसी कंपनी का एक साइज रहती है, तो किसी और कंपनी की कपड़े एक्सेल साइज में और साइज के रहते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड्स ने ये फिक्स कर दिया कि 100 आईएसओ मतलब इतना ही ब्राइटनेस रहेगा, इतनी ही सेंसर को हम लोग लाइट देंगे, 200 आईएसओ यानी कि हम लोग उतनी ही सेंसर को लाइट देंगे। तो उस हिसाब से एक यूनिफॉर्मनेस आ गया हर एक रोल में, हर एक सेंसर में, उसके नंबरिंग में। तो इसी वजह से हम लोग उसे आईएसओ कहते हैं। जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी यानी कि उतनी ही, उतना ही 1 लीटर अमाउंट उतना ही रहेगा वर्ल्ड वाइड। आप इंडिया में रहो, US में रहो या फिर कहीं भी रहो, तो 1 लीटर पानी की क्वांटिटी उतनी ही रहने वाली है। ये एक स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो उस हिसाब से, तो उसी तरह हमारे आईएसओ 100 200 यानी कि उसकी ब्राइटनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइट उतनी ही रहेगी, तो फिर वो इंडिया में रहे या फिर किसी दूसरे कंट्री में रहे। और आज मैं आपको एक दूंगा आईएसओ के बारे में टिप, आपको कहाँ से ग्रेन्स आना चालू हो जाएंगे ये एक एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कौन सा भी नया कैमरा यूज़ कर रहे हो तो एक जजमेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके कैमरे में हायर आईएसओ कितना है, मतलब 16,400 है, 12,800 है, वो सब चेक कर लीजिए। तो जो हायर आईएसओ रहेगा उसके आधे नंबर तक आप सेफली काम कर सकते हो। मान लो अगर आपके कैमरे में 12,800 ये मैक्सिमम आईएसओ है, तो आप लोग 6,400 आईएसओ तक आराम से काम कर सकते हो। वहाँ तक आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, 6,400 तक आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6,400 के बाद आपको नॉइज़ दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपके कैमरे में 6,400 मैक्सिमम आईएसओ है, तो 3,200 तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आईएसओ तक, उसके बाद थोड़ा सा नॉइज़ दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपके कैमरे में 4 लाख का आईएसओ है, तो 2 लाख तक आराम से शूट कीजिएगा, कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। 2 लाख के बाद थोड़ा सा नॉइज़ दिखना चालू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप आज के लिए आईएसओ के बारे में कि आप कहाँ पे अगर जल्दबाजी में शूट करना चाहते हो तो कहाँ पे कैलकुलेट करके आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी संडे मैं ऐसे ही और एक वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।